वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज सुबह का टाइम में मैं निकल रहा हूं घूमने के लिए, और इस सफ़र में आप लोगों को गांव के खूबसूरत रास्ते और मेन रोड, जंगल, बगीचे और मंदिर दिखाने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। ये सफ़र हमारा शाम तक होगा, और इस सफ़र में जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपना सफ़र चालू करते हैं। तो सुबह के टाइम में ये देख सकते हैं मेन रोड एकदम खाली है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ अपने हॉस्टल से, रविंद्र नगर से। तो किस रास्ते से जाना है, तो इधर से ब्लॉक वाला रास्ता, सर्विस रोड का रास्ता, और इधर से सीधे, और यहाँ पे एक मंदिर है, देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है और अच्छा भी है। और यहाँ पे है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति, देख सकते हैं। और रास्ते में देख सकते हैं सभी, तो ये मेन रोड का रास्ता है। यहाँ से हमको करीब 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से ज़्यादा इस सफ़र को करना है, उसके बाद फिर पूरब की तरफ एक रोड आ जाएगा मेन रोड, उस मेन रोड के बाद आगे चलेंगे। तो उधर से दिखलाते हैं, तब तक ये रास्ता पार करते हैं जल्दी से। और अभी इस रास्ते में कौन कौन सा चौराहा या गांव पड़ने वाला है सभी आप लोगों को दिखलाते हैं इस सफ़र में। तो बने रहेगा और वीडियो को देखिएगा। तो हम चलते हैं, आज का सफ़र काफ़ी दूर तक होने वाला है। तो चलिए इस हरे भरे पेड़ पौधों के साथ निकलते हैं आगे, और आगे चलने के बाद फिर से दूसरी तरफ चलेंगे। तो इस सफ़र में दिखलाते हैं आप लोगों को ये मेन रोड। ये सीधे अगर रास्ता आप पकड़ कर जाएँगे तो पडरावना से होते हुए दूसरी तरफ, ये एक गांव का रास्ता है, देख सकते हैं। और आगे यहाँ पर भी एक गांव का रास्ता, इधर गांव में जाने के लिए। बाकी इधर का रास्ता तो ठीक है। तो चलिए इस रास्ते में सफ़र करते हैं अपनी साइकिल के साथ। अभी आ चुका हूँ 2 किलोमीटर आगे, और यहाँ से भी इधर एक गांव का रास्ता है, देख सकते हैं। वो काफ़ी खूबसूरत रास्ता है जो कि देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ से आगे चलना है अभी, और रास्ते में मेन रोड के किनारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पुल है, देख सकते हैं इसमें अभी पानी है। बाकी सब इधर पेड़ पौधे हैं। तो हमको चलना है आगे अभी यहाँ से, तो आगे चलते हैं, आगे का सफ़र दिखलाते हैं। फिर यहाँ का पूरा नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा पानी नहीं है इसमें। तो आगे चलिए चलते हैं, तो यहाँ से चलते हैं, मेन रोड है यहाँ पर। और अभी मैं पुल पर रुका हुआ था, तो यहाँ से चलिए। यहाँ पर पेट्रोल पम्प है, यहाँ पर एक चौराहा है, जो ये चौराहा देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा चौराहा है इधर, और इधर भी देख सकते हैं। और यह सीधे रास्ते से अभी यहाँ से 2 किलोमीटर ही आया हूँ, और यहाँ से चलूँगा तो मैं पहुँचूँगा 2-3 किलोमीटर बाद पडरौना। और यहाँ पे पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा हैं इस सड़क के किनारे, और सुबह के टाइम में गाड़ियाँ आती जाती हैं। और मैं इधर से सीधे चलूँगा, और इसी रास्ते में एक मंदिर भी मिलता है रोड के किनारे, तो वो आप लोगों को दिखलाऊँगा। और सूर्य भी निकल चुका है और 6 बज रहा है अभी, तो चलिए आगे देखते हैं मंदिर कितना दूरी पर है। इसी रास्ते में मिलेगा इस साइड रोड के किनारे, तो इधर देख सकते हैं आप लोग। तो इधर से चलते हैं, देखते हैं मंदिर कहाँ पर है। और जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। अब मैं मंदिर के पास पहुँचने वाला हूँ, यहाँ से थोड़ा दूरी पर मंदिर है, तो मंदिर आप लोगों को दिखलाता हूँ कि मंदिर के पास मैं आ गया। चलिए मंदिर को यहाँ से दिखलाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ से है मेन रोड, और वहाँ देख सकते हैं,
और इधर मंदिर है जो कि मंदिर काफ़ी अच्छा है। एक मंदिर वहाँ पर भी है और एक मंदिर यहाँ पर, बाकी इधर सब छठ पूजा का स्तंभ है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मंदिर यहाँ पर है, सीढ़ी से जाने के लिए रास्ता है और उधर से भी आने के लिए रास्ता है। यह मंदिर पडरौना और रविंद्र नगर के बीच में पड़ता है जो कि काफ़ी अच्छा मंदिर है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ है इधर से, और चलते हैं सीढ़ी के अंदर, वहाँ से आप लोग को दिखलाते हैं। अंदर मूर्ति है जो कि काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे इसका देख लीजिए और इधर से भी, जो कि काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का मंदिर ये। अब चलते हैं उस मंदिर के पास तो उधर दिखलाते हैं आप लोगों को। तो वीडियो बताया गया, वीडियो आप लोग कैसा लगा। अंदर हनुमान जी का मूर्ति है, ये काफ़ी अच्छा है, अभी गेट बंद है इसका। और शंकर भगवान जी की मूर्ति है इधर, बाकी सब इधर काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे। मंदिर से आने के बाद से बगल में है मंदिर, यहाँ पे हनुमान जी और भोलेनाथ जी की मंदिर है। तो थोड़ी दूर आगे आने के बाद से यहाँ पर एक और मंदिर है, यहाँ पर इधर मूर्ति रखी गई है। और अंदर मंदिर पर भी चलते हैं, तो इधर मेन रोड के किनारे ही है तो काफ़ी अच्छा मंदिर है। और यहाँ पर भी छठ पूजा का स्तंभ है, वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर कहीं कहीं पर, तो काफ़ी अच्छी जगह है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर चल के आप लोगों को दिखलाते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, ये छोटा सा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मंदिर के पास चलते हैं। तो यहाँ से मूर्ति यहाँ पर रखी गई है जो कि काफ़ी अच्छा है, और मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे जाते ही आप लोगों को ये दिख जाएगा, और इधर उस मंदिर का जो नज़र है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से उतरने के लिए रास्ता है। तो ये काली माता जी का मंदिर है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अंदर चलते हैं इसके, तो अंदर देख लीजिए यहाँ पे। अंदर केवल फ़ोटो ही रहे और बाकी सभी, तो इधर का जो सीन है तो काफ़ी अच्छा है, मंदिर भी काफ़ी अच्छा है मेन रोड के किनारे। तो ये दोनों मंदिर रास्ते के किनारे ही है और ये मेन रोड है। तो अभी चलते हैं इधर से, और इधर का पूरा ये आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, ऊपर बादल भी छाए हुए हैं। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे, माया का सफ़र चालू करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, तो काफ़ी अच्छा है इधर का लोकेशन। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे का सफ़र है इधर से चालू हो गया, और मंदिर के पास से मैं निकल आया हूँ। तो चलिए इस मेन रोड के साथ चलता हूँ आगे। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि मंदिर के पास जो सबसे पहला मंदिर है, वहाँ पे शंकर भगवान जी और हनुमान जी की मूर्ति है अंदर। बगल में उसके साइड एक काली माता जी का मंदिर है, जो कि दोनों मंदिर मैं दिखलाया हूँ इसमें। तो मंदिर कैसा लगा मंदिर देख कर बताइएगा। और मैं इस मेन रोड के साथ है आगे निकलता हूँ, और आगे चल के दिखलाता हूँ आप लोगों को आगे का सफ़र। तो इस वीडियो में बने रहिए, और हमारा यह सफ़र पूरा देखिएगा। सुबह से मैं यात्रा के लिए निकला हूँ अपना इस रास्ते से, और आगे चलना है। तो देखते हैं किस रास्ते से चलते हैं, जो कि हमारा यह रास्ता काफ़ी अच्छा है, और इसी रास्ते सीधे भी चलना है। तो आगे निकलते हैं यहाँ से, और अभी सुबह का टाइम है, वहाँ पे सूर्य देख सकते हैं, अभी सूर्य निकला हुआ है। और इधर से बहुत दूर अभी जाना है, करीब 1 से 2 किलोमीटर और। तो आगे चल के दिखलाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर गेट देख सकते हैं, गेट के पार करेंगे तो पडरौना में पहुँच जाएंगे। तो इधर काफ़ी ज़्यादा इधर दुकानें हैं, जो कि अभी सुबह का टाइम है, इधर सभी दुकानें बंद हैं। तो इधर से सीधे चलना ठीक है, और इस सफ़र में ज़्यादा इधर भीड़ भाड़ अभी नहीं है, जो कि अभी सुबह का टाइम है, अभी 8 बजते ही इधर ज़्यादा भीड़ लगने लगेगा। यहाँ ऊपर बोर्ड लिखा है, देख सकते हैं, पडरौना पनियावा और छपुआ कितना किलोमीटर है। तो इधर से आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इधर का जो रास्ता है। तो यहाँ से ये बड़ा सा चौराहा है, और इधर भी एक रास्ता है जाने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा रास्ता है। और इस रास्ते पे
दिखलाते हैं आप लोगों को कि ये रास्ता, यहाँ पर एक और मंदिर है देख सकते हैं, जो कि अंदर जाने के लिए रास्ता है इधर से, और इधर देख सकते हैं एक रास्ता इधर जाने के लिए, जो कि दिव्य स्थान होते हुए, और आगे इधर मेन रोड के साथ आगे चलेंगे मेन रोड पर। तो यहाँ से अभी 2 किलोमीटर सफ़र करना है, तो यूरोप की तरफ एक रास्ता है, उस रास्ते से उधर निकलेंगे। तो उधर चलने के बाद से आप लोगों को दिखलाते हैं इधर का सफ़र, इधर चलते हैं। और यहाँ से चलने के बाद ये अभी इधर जो आप लोग देख सकते हैं, इधर भीड़ ज़्यादा नहीं है, और यहाँ से अब चलेंगे तो आगे एक बड़ी नहर मिलेगी, जो काफ़ी बड़ी नहर है, जो रास्ते में इसी तरफ मिलेगा। चलिए आप लोगों को दिखलाते हैं, तो थोड़ी देर बाद आ जाएगा पुल, तो पुल को दिखलाते हैं आप लोगों को। और अब सुबह हो चुकी है, धूप धीरे धीरे निकल चुका है, और धूप काफ़ी तेज़ है, तो उधर से चलते हैं और उस पुल के पास उधर दिखलाते हैं। तो पुल के पास मैं आ चुका हूँ, यहाँ से पुल देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और पुल में पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो इधर रास्ता है तो इधर नहीं चलते हैं, और चलिए यहाँ से चलेंगे पुल के पास, वहाँ पे रुकते हैं। आगे का वीडियो आप लोगों को आने वाले वीडियो में पार्ट 2 में मिलेगा।